Hello everyone, this is ZDK Guru and today in this video lecture I am going to explain you a very beautiful poem written by George Herbert. So before explaining the poem, let's know about the poet George Herbert. George Herbert was a great religious poet as well as a great metaphysical poet. Lekin before explaining the poem, hum ise samajhte hain ki metaphysical kise kehte hain, metaphysical kya hota hai. You know, hum log kis duniya mein reh rahe hain? Ye फिजिकल दुनिया में रह रहे हैं. क्या रह रहे हैं? फिजिकल दुनिया में रह रहे हैं. व्हाट एवर द थिंग्स वी आर सीइंग अराउंड अस, दीज आर द फिजिकल. और इस चीजों से जो एबव हो जाता है उसको हम बोलते हैं मेटाफिजिकल. ठीक, जो इस दुनिया से एबव, जो इंसान के कंट्रोल से एबव हो जाता है उसे हम बोलते हैं मेटाफिजिकल. तो जॉर्ज हर्बर्ट जो थे वो मेटाफिजिकल पोएट थे. ठीक है ना, बेसिकली वो रिलीजियस पोएट थे. खास करके वो रिलीजियस पोएट्री लिखा करते थे, रिलीजियस बातें किया करते थे, रिलीजियस मैसेज दिया करते थे. ठीक, इनका ये मानना था कि गॉड जो है ना ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी सेंट है एंड ओमनी पोटेंट है. यानी जो गॉड है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है. ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह होते हैं. ठीक, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट. ओमनी सेंट, जो गॉड है वो सर्वज्ञानी, सब चीज समझते हैं. ठीक है, उसके बाद ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान है. ठीक है, तो ये कहते थे कि वाई शुड आई लुक फॉर गॉड इनसाइड द चर्च. हम गॉड को सिर्फ चर्च में क्यों देखें? वाई शुड आई लुक फॉर गॉड इनसाइड द मस्क एंड द टेम्पल. गॉड इज एवरीवेयर. ऐसा ही कॉन्सेप्ट मिर्जा गालिब का था, जो कि एक उर्दू पोएट थे, ग्रेट पोएट थे. वो भी ये मानते थे कि गॉड तो हर जगह है, फिर हम गॉड को सिर्फ पार्टिकुलर प्लेस में क्यों देखते हैं. ये पोएम बहुत ही ब्यूटिफुल पोएम है और इसका मैसेज भी बहुत बड़ा है. ठीक है ना, इंसान और गॉड के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो क्या चीज है जो इंसान को गॉड की तरफ खींचा ले जाता है, खींचते हुए ले जाता है, और वो क्या चीज है जो इंसान गॉड की तरफ खींचा हुआ चला जाता है, इसके बारे में बताया. ठीक है ना, गॉड ने आपको क्रिएट किया, आपको क्या क्या दिया. यू नो, गॉड का आप सबसे बेस्ट क्रिएशन है, आप गॉड का सबसे बेस्ट क्रिएशन है. लेकिन इस क्रिएशन में गॉड ने क्या क्या किया और क्या क्या सोचे थे इस क्रिएट, मतलब क्रिएशन को देने के लिए, यानी हमको, हम लोगों को देने के लिए क्या क्या सोचे थे. तो आइए पोएम को देखते हैं. द गिफ्ट ऑफ गॉड, द पुली. इसका दो नाम है, एक है गिफ्ट ऑफ गॉड, दूसरा क्या है, द पुली. किसके द्वारा लिखा है? जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा. ए ग्रेट रिलीजियस पोएट थे, यू कॉल ही वॉज ऑल्सो ए मेटाफिजिकल पोएट थे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे द पुली का मतलब होता है खींचना. ठीक है ना, पुली मतलब खींचना नहीं, मतलब पुल से बना पुली. पुल मतलब खींचना, पुली बना. क्या बना? पुली. तो ये क्या चीज है जो एक बंदे को, ठीक है ना, गॉड अपनी तरफ खींचता है. आप कैसे गॉड की तरफ खींचे चले जाते हैं, आइए इस पोइम को देखते हैं. व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, जब गॉड ने इंसान को बनाया, पहले इंसान को बनाया. यू नो, हम इंसान गॉड के सबसे बेहतरीन क्रिएशन में से एक आते हैं. हम सबसे इंटेलिजेंट क्रिएशन है. क्या, क्यों है? क्योंकि हम गॉड के सबसे बेहतरीन क्रिएशन है. तो क्या है? व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेट मैन, जब गॉड ने इंसान को पहले बनाया. व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय. उनके बगल में क्या था? एक ग्लास था, अब फुल ऑफ क्या था? ब्लेसिंग था. गॉड का ये था मन कि हम सारे ब्लेसिंग अपने क्रिएशन को दे दें. हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, लेट अस सेड ही. उन्होंने क्या कहा? चलो, कौन? गॉड. पोर ऑन हिम ऑल वी कैन, सब चीज हम दे देते हैं. किसको? इस क्रिएशन को. किस क्रिएशन को? वी पीपल. गॉड ने कहा कि हम अपने क्रिएशन को सब चीज दे देते हैं, सारी चीज देते हैं जो दुनिया में चाहिए, धन दौलत शोहरत इज्जत, ये सारा चीज हम दे देते हैं. दिल खोल दिए थे गॉड बनाने के वक्त हमको. लेट अस सेड ही, यहां पे गॉड, ओके, पोर ऑन हिम ऑल वी कैन, सब दे देते हैं. लेट द वर्ल्ड्स रिचेज विच डिस्पर्स्ड लाई, का इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा रिचेज है ना, धन है दौलत जो इंसान समझता है, वो सब चीज हम दे देते हैं. ठीक है, लाइज कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन, इसी के जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन. स्पैन मतलब छोटा सा
लाइफ, ठीक है ना। यहाँ पे यह पन होगा और भी इसका मीनिंग हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे लाइफ के लिए प्रेजेंट करते हैं कि इसके जिंदगी में हर खुशियां दे देते, सारा चीज दे देते जो चाहिए, जो इस अर्थ पे इसको सबसे ग्लोरीफाइड कर दे, ग्लोरियस बना दे। मैं सब चीज देने के लिए तैयार हूं, इसको सब चीज दे देता हूं। चलिए, सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे। तो उन्होंने पहले क्या किया, इंसान को क्या दिया, शक्ति, ठीक है ना, कुवत, पावर दिया। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, उन्होंने पहला स्टार्टिंग क्या चीज से किया, पहले उनको स्ट्रेंथ दिया, देन ब्यूटी, उसके बाद ब्यूटी, खूबसूरती, फॉरवर्ड, देन विजडम, अकल दिया। और यही चीज है जो हमको दूसरों से अलग बनाता है, दूसरे क्रिएचर से हमको अलग बनाता है। हम लोग द वाइजेस्ट क्रिएचर है, क्या ऑनर, प्लेजर, फिर ऑनर दिए, इज्जत, ठीक है ना, प्लेजर, खुशियां, सुकून, नॉट सुकून, प्लेजर्स, आनंद, ओके, ऑनर, इज्जत दिए हमको। When almost all was out, जब पूरा खत्म हो गया था, सब ढालिए दिए थे, सारा चीज ढालिए दिए थे। When almost all was out, God made a stay, God अचानक रुक जाते, तेरे की हम तो सब डाल दिए, थोड़ा सा रुक जाते, हम तो सब डाल दिए, रुकिए थोड़ा सा, क्या चीज, क्यों ऐसा रुके, क्यों रुक गए एक बैग। Perceiving that alone of all his treasure, कहा कि सोचे कि भाई हम तो सब दे दिए, रुको, एक चीज बचा हुआ है, एक ट्रेजर बचा हुआ है, और वो क्या है, रेस्ट इन द बॉटम ले, और वो क्या बाकी था, रेस्ट, जो पीस, शांति, पीस, शांति, जो हमारे मतलब जो वो बॉटम में, जो थोड़ा सा बॉटम में बाकी था, वो क्या बाकी था, रेस्ट, पीस, सुकून बाकी था। देखिए, आपके पास धन हो सकता है, शोहरत हो सकता है, फेम हो सकता है, आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन सकते हैं, आपके पास मतलब हो सकता है ना कि इनफाइनाइट पावर हो सकता है, सब चीज़ हो सकता है, लेकिन आपके पास पीस नहीं हो सकता है। पीस के लिए आपको गॉड के पास जाना होगा, आपको गॉड को याद करना होगा। इसलिए कबीर कह गए हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जब सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। आप जब गॉड ने कहा कि भाई इस सबसे सबसे मतलब क्या है ना कि सबसे प्रीसियस जो है, जो ट्रेजर है, मैं इसको नहीं दूंगा, मैं इस पे नहीं ढालूंगा, मैं इस पे ब्लेसिंग नहीं दूंगा, क्या चीज, रेस्ट, पीस, क्योंकि अगर हम इन्हें रेस्ट दे देंगे, इन्हें पीस दे देंगे, सुकून दे देंगे, तो ये दुनिया के शान शौकत, इज्जत, शोहरत, पैसा, रुपया को ही भगवान समझ बैठेंगे और हमें कभी याद नहीं करेंगे, हमें ये कभी याद नहीं करेंगे। इनके लिए रुपया ही खुदरत बन जाएगी, इनके लिए शोहरत, इज्जत ही क्या बन जाएगा, गॉड बन जाएगा, इसलिए हमें वो याद नहीं करेंगे। इसलिए मैं एक चीज उनसे छीन कर रख लेता हूं, नहीं छीन कर, मैं एक चीज को मैं अपने पास रख लेता हूं, जब पूरी दुनिया में वो बेचैनी हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, जब वो चिंता में डूब जाएगा, जब डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, जब दुख दर्द में वो अपने आप को कहराएगा, तो वो मुझे याद करेगा और मैं उसे अपने सीने से लगा लूंगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा को डिस्कस करते हैं। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट, इट्स अ वेरी नाइस पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। चलिए अब हम नेक्स्ट लाइंस को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा, फॉर इफ आई शुड सेड ही, फॉर इफ आई शुड सेड ही, फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं इसे भी दे दूंगा तो क्या होगा, मैंने तो सारा ट्रेजर्स दे दिया, हमने तो सारा रिचेस दे दिया इंसान को, लेकिन अगर ये जो चीज बच चुका है, कौन, अलोन, क्या चीज, रेस्ट, पीस, सुकून, चैन, अगर ये भी मैं इंसान को दे दूंगा तो क्या होगा, मेरा जो कनेक्टिविटी है मैन और गॉड का, वह खत्म हो जाएगा, क्योंकि किस लिए मुझे याद करेगा, क्या, बेस्टो
बिस्टो मतलब देना, ठीक है ना, उस पे डालना, बिस्टो दिस जेवल ऑल्सो ऑन माय क्रिएचर, ही वुड अडोर माय गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ मी। कहा कि अगर मैं ये भी डाल दूं, ये चीज भी मैं अपने बंदे को दे देता हूं, तो वो मेरी पूजा नहीं करेगा, मेरी वर्शिप नहीं करेगा, मेरी प्रार्थना नहीं करेगा, ठीक है ना, मेरे मेरी सजदा नहीं करेगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, मेरे दिए हुए गिफ्ट में ही वो खो जाएगा और उसकी दिन रात क्या करेगी, दिन रात वो क्या करेगा, उसी का पूजा करेगा, लक्ष्मी जी आ जाओ, ठीक है ना, पैसा रुपया दौलत शौहरत अब इसी के पीछे पड़ जाएगा, उसके लिए यही सबसे बड़ा भगवान हो जाएगा, दुनिया में शोहरत इज्जत शान शौकत यही उसके लिए भगवान बन जाएगा, जो कि आज बन चुका है क्या। एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, अब वो हमारे ही बनाए हुए नेचर में क्या रहेगा, पड़ा रहेगा, लेकिन कभी याद नहीं करेगा मुझे, मुझे याद नहीं करेगा, नॉट द गॉड ऑफ नेचर, ओके, मेरी नेचर के प्रति उसे याद नहीं आएगी। सो बोथ शुड बी लूजर बी, इसलिए दोनों का घटा होगा, दोनों का घटा होगा, हम बनाए मुझे याद नहीं किया, और हमारी दी हुई रिचेज का उसने कभी भी थैंक नहीं कहा, तो दोनों क्या होगा, लूजर हो जाएगा, ठीक है ना। इट लेट हिम द रेस्ट बट कीप देम विथ रेपनिंग रेस्टलेसनेस। कहा कि चलो हम उसे क्या ले लेते हैं, रेस्ट को ले लेते हैं, लेट हिम बी रिच एंड वेरी दैट एट लीस्ट इफ गुडनेस लीड हिम नॉट येट वेरीनेस माई टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। कहा कि भाई चलो जब वो शान शौकत इज्जत पैसा रुपया में वो उसे मेरी याद नहीं आएगी, लेकिन जब वो थक कर चूर हो जाएगा, जब वो परेशान हो जाएगा, चिंताओं में गिरा होगा, वेरी थक जाएगा और जो चिंता सताएगी, तब मुझे वो मुझे याद करेगा और मेरी तरफ दौड़ा हुआ चला आएगा और मैं उसे गले लगाऊंगा, ठीक है। इसलिए हम रेस्ट को अपने पास रख लेते हैं, इसलिए जब भी वो मुझे याद करेगा, ठीक, जब भी वो मुझे याद करेगा तो वो रेस्ट होगा, वो पीस के लिए याद करेगा मुझे, किस लिए, चैन के लिए, सुकून के लिए मुझे याद करेगा, और मैं हमेशा जैसे मुझे याद करेगा मेरी तरफ आएगा तो मैं उसे गले लगा लूंगा, ठीक है ना, अपने गले से लगा लूंगा, माय टॉस हिम टू माय ब्रेस्ट, मैं अपने सीने से लगा लूंगा। तो ये गॉड एंड डिवोटी है, ये क्या है, दिस इज द रिलेशंस ऑफ गॉड एंड डिवोटी। अब हम थोड़ा सा थीम ऑफ द पोएम को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, what is the rhyming scheme, what are the literary device in the poem, theek hai na, now see the theme of the poem, okay, theme of the poem, George Herbert was very much interested in finding the themes of theology, you know theology matlab dharm shastra, religious theology and human behavior, okay, he was very much interested in these things. This poem gives an image, an idea of how God given many riches to human being. इस poem में क्या किया गया, readers को क्या दिया जाता है, ठीक है ना? This poem gives an image, an idea of how God given many riches to human beings. कितना riches इंसान को दिया गया है, ठीक? The poet says that these riches that are the best that humanity has to offer. ये चीज best चीज है जो इंसानों को दिया गया और इंसान को इसका कदर करना चाहिए. But human nature, human's nature is also influenced by that God did not give him. लेकिन इंसान की जो फितरत है, God ने जो चीज नहीं दिया, उन चीजों की भी पड़ती है बहुत ही ज्यादा influenced हो जाता है. लालच मत करो, लेकिन लालच करते हैं. चोरी मत करो, चोरी करते हैं. जेलसी मत करो, जेलसी करते. यू हैव गिवन मेनी थिंग्स, आपको बहुत चीज दिया गया, आप उन चीजों का थैंकफुल रहिए. यू मस्ट बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स गॉड, व्हाट गॉड हैज गिवन टू यू ना. लेकिन गॉड ने जो चीज नहीं दिया उसके प्रति हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते क्या. सो दिस इज द थियोलॉजिकल लेसन, दिस इज द रिलीजियस लेशंस
दैट द पोएट गिव अस. ओके, अब हम थोड़ा सा चलते हैं पोएट्री के क्या चीज लिटरेरी डिवाइस की तरफ. ठीक है, राइमिंग ओके. नाउ सी द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम एंड द लिटरेरी डिवाइसेस दैट आर यूज इन द पोएम. द गिफ्ट ऑफ गॉड, इसका दो टाइटल है, या द पुली इज अ फोर स्टैंजा पोएम. फोर स्टैंजा पोएम है दैट इज सेपरेटेड इंटू सेट्स. सेट्स में सेपरेट किया गया है ऑफ फाइव लाइन्स, जिसको हम क्वेंटेंस भी बोलते हैं. ठीक है, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी ए. ओके, लिटरेरी डिवाइसेज इन द पोएम, जो लिटरेरी डिवाइसेज जो यूज हुआ है उसमें क्या है, एलिट्रेशन है. ठीक है ना, मेटाफर है, इमेजरी है और पर्सनिफाइड. ओके, आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा. थैंक यू.